आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बोली, वादा नहीं निभाया सरकार, गद्दी छोड़ो। पटना में चौथे दिन भी आंगनवाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए लोहिया बस चक्र पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने पहुंचे थे। पटना के गर्दनी भाग के पब्लिक लाइब्रेरी में फिलहाल सभा का आयोजन किया गया। इसमें जाप संयोजक पप्पू यादव मौजूद है। पप्पू यादव ने प्रदर्शनकारियों के रहने और खाने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि पुलिस का लाठीचार्ज गलत था, पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ देती, पीटना गलत था। सभा में पप्पू यादव ने आजादी वाले नारे भी लगवाए। आंगनवाड़ी सेविका के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी रंजना यादव ने कहा है कि जिस भाई को हमने राजगद्दी पर बिठाया, उसे भाई ने हमारा चीरहरण कराया। जिस भाई को हमने आज तक भाई नहीं समझा, उसे आज उस भाई ने आज हमारी बहनों को इतना बड़ा लंगर चल करके पिछले चार दिनों से पटना में खाने और रहने की व्यवस्था कर दिखाई। महिलाओं को तीन ही चीजों की चिंता रहती है, रोटी, कपड़ा और मकान। उसे भाई ने हमें रहने की जगह दे दी, खाना खिलाया, इसे बिहार में संकेत चला गया। पप्पू यादव ने तमाम महिलाओं को रहने के लिए छत दिया, खाने के लिए खाना दिया। गुरुवार को डाक बंगला चौराहा जाम करने की बजाय तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य प्रदेश कार्यालय का घेराव कर दिया। वहीं डेरा डालकर बैठ गई। सुबह 8 बजे से उनका आना शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कल जन्मदिन था। सेविका सहायिका उनसे मुलाकात कर जन्मदिन पर अपनी मांगों पर बातचीत करना चाहती थी, लेकिन सुबह 11 बजे के करीब पुलिस ने उन्हें हटना शुरू किया। उसके बाद धक्का मुक्की और तीखी झड़प होने लगी। इसी बीच कुछ सेविका सहायिका ने पुलिस पर मिट्टी के ढेले से हमला कर दिया। मिट्टी की धूल उड़ने लगी। हालात जब बेकाबू हो गए तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार करने के बाद लाठीचार्ज कर दिया। जी हाँ, आपको बताते चलें, सरकारी कर्मी का उनको दर्जा मिले, उनकी ऐसी मांग है। सेविका को ग्रेड 3 और सहायिका को 4th का दर्जा मिले। सेविका का मानदेय 5,950 रुपए है। इसमें केंद्र 4,500 रुपए और राज्य सरकार 1,450 रुपए देती है। वहीं सहायिका का मानदेय 2,975 रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार 2,250 और राज्य सरकार 725 रुपए देती है। बिहार सरकार सेविका की प्रोत्साहन राशि 1,450 से बढ़ाकर 10,000 और सहायिका का 725 से बढ़ाकर 5,000 करने का, इन लोगों का जो ये लड़ाई लड़ रही है, इनकी लड़ाई यही सारी चीजें है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।